بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورداء نفسك

हम सबको अता फ़रमाए हर किस्म के शुरू से फितन से बीमारियों से मसाइब से आलाम से मुश्किल से हादसा सेानहत से और हर उस अमल से जिससे अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं अल्लाह हम सबको बचने की तोफ़ी अता फ़रमाए अपनी ख़ास हिफ अमान में अल्लाह हम सबको रखे आमीन और नजर ने आज जो दुआ मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ हमारे साथ स्टूडियो में हज़रत मुफ्ती साहब भी हैं मुफ्ती सैफुल्ला सा साहब हफिजाल्ला हज़रत का मैं बड़ा मशहूर हूँ हज़रत अपना कीमती वक्त हमें देते हैं और हज़रत के मलफूज़ा से हम सब मुस्तफीद होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो दुआ मैंने पेश की है नाजरीन ये दुआ जिसके अलफ़ाज है, ये हैं कि अल्ला मुशर रफल कलूब ए मशर्रफ़ल कलूब दिलों के फेरने वाले शर्रफ़लूबना अल्ला तो आतिक अल्लाह हमारे दिलों को अपनी ताद की तरफ़ फेरते यूँ तो सारी की सारी दुआएँ बड़ी अजीम शान और ख़ास करके वो दुआएँ मैं बरहार कर चुका हूँ जो रमत आलम सल्हसम की ज़बानी नबूत से ज़बानी मुबारक से निकली हुई दुआएँ कि इन उन दुआओं का कोई बदल नहीं है उसके अंदर जो नूर, नूरानियत और रूहानियत है उसका कोई बदल नहीं और या वो दुआएं जो अल्लाह पाक ने कुरान करीम ने नक़ल की हैं अम्बियातम की दुआएं हैं या अल्लाह पाक एक बंदों की दुआएं हैं और मैंने अर्ज़ किया था कि देखें दुआएं जो हमें बताई जाती हैं सुनाई जाती हैं इसका मकसद सिर्फ़ हमारी मालूम में इजाफ़ा नहीं हुआ करता बल्कि अल्लाह पा की तरफ से इस बात की ताकीद होती है कि इन दुआओं को हमें मामूल बनाना चाहिए और दुआएँ मैंने बरह किया है कि दुआएँ पढ़ने वाली चीज़ नहीं है दुआई मांगने वाली चीज़ है दुआ मांगी जाए सिर्फ दुआ पढ़ा ना जाए दुआ का मतलब पुकारना और देखिए दुआ जो है एक बजात ख़ुद एक इबादत है इसको हमेशा जहन में रखें वरना अक्सर व बेशतर लोग बेचारे कंप्लेन करते रहते हैं कि जी मैं बड़े अरसे से दुआ मांग रहा हूँ बड़ से बड़े अरसे से दुआ मांग रही हूँ मेरी दुआ कबूल नहीं होती मेरी दुआ सुनी नहीं जाती काफ़ी अरसा हो गया मैं दुआ मांग मांग के थक गई तो चंद बातें बिल्कुल आप जहन में अच्छी तरह जहन नशी कर लें कि देखें दुआ मांगना एक मुस्तकिल इबादत है दुआ मांगना एक मुस्तकिल इबादत है किस एंगल से आप दुआ किया करें कि आप इबादत कर रहे हैं उन्होंने बड़े वाक़ात हैं देखें एक मौके पे एक बुज़ुर्ग तवाफ़ करते हुए सदा लगा रहे थे लब्भिक लब्भिक उनके साथ एक और बुज़ुर्ग खड़े हुए थे उन्होंने उनको उनसे अर्ज़ किया कि तुम्हें मालूम भी है तुम जब लब्बई कह रहे हो तो ऊपर से आवाज़ आ रही है लब्बई का वाला सातक तुम्हारी कबूल नहीं रद्द करता हूँ मैं तुम्हारी लब्बई को तो उस उन बुजुर्ग ने जो तवाफ़ कर रहे थे लब्बई की सदा लगा रहे थे उन्होंने उनको जवाब दिया कि मुझे भी आवाज़ आ रही है ये आवाज़ मैं भी सुन रहा हूँ लेकिन मुझे ये तो बताओ कि कोई और दर भी है कि जहाँ हम जाके लब्बई की सदा लगाएं मुझे भी आवाज़ आ रही है लालबाइ की लेकिन कोई और दर भी तो नहीं है कोई और सरकार भी तो नहीं है कोई और दरबार भी तो नहीं है हम लगाते हमारा काम है सदा लगाना हमारा काम है आवाज़ लगाना हमारा काम है पुकारना और इसको हमेशा ध्यान में रखें नाजरीन दुआ की कबूलियत अदम कबूलियत के हवाले से कोतायाँ हमारी तरफ से होती हैं वरना अल्लाह पाक तो बड़े करीम है बड़े रहीम है दुआओं की के कबूलीत केवाले से जो चीज़ें होती हैं यकीन हमारे अंदर नहीं पाई जाती हैं तभी हमारी दुआ रुक जाती है आप देखें आज हज पे उमरे पे लोग जाते हैं लाखों की तादाद में दुआ कर रहे हैं दुआएँ रद्द क्यों हो रही हैं इसलिए कि दुआओं की कबूलीत में हमारी बदअमली हल हो जाती है सबसे बड़ी बदमली अकल हलाल के हवाले से कि हमारा खाना आज हलाल नहीं ला माशा सो जो पहली शर्त है क़बूली दुआ के हवाले से कि अपने खाने को हम प्योर बनाए खाना हमारा आराम से पाक हो पहनना हमारा हराम से पाक हो सोर्स ऑफ इनकम हमारी हराम से पाक हो तो इन शाला मुफ्ती साहब से भी हम मल्फ़ात सुनेंगे दुआ का मैं फिर एक तर्जमा कर दूँ अल्ला मुशरिफल क्लूब ए अल्लाह ए अल्लाह मशर दिलों के फेरने वाले शर्रफ़ क़लू बना एल्ला हमारे दिलों को फेर दे अल्लाह ती तरफ़ दाद की तरफ लेकिन दिलों का फेरना क्या है عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنه، بري مشهور صاحبي، ہیں بڑے صاحبي صاحبي، صحابی صحابہ میں درویش صحابی میں سے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا کیا سنا کہ آپ ان قلوب بني آدم بني آدم کے قلوب جو دل ہیں نا سارے انسانوں کے جو دل ہیں بَيْن من اصابع أس الرحمن अल्लाह पाक यानी रहमान की उंगलियों में से दो उंगलू की उंगलियों के दरमियान सारे इंसानों के दिल कलूब का बिन वाहिद एक कल्बी की तरह यानी सारे इंसानों के कलूब अल्लाह की नज़र में एक दिल की तरह एक कलबी की तरह एक हाथ की तरह दो उंगलियों के दरमियान है आगे फरमाए शर रफ यशा अल्लाह जिसके लिए दिल चाहता है फेर देता है किसी के दिल हिदायत की तरफ़ फेर देता है किसी का दिल गुमराई की तरफ़ इसलिए इतरानी की कोई वजह नहीं है कि अल्लाह पाक ने अगर मेरा आपका में से किसी का दिल भी अगर अपनी तादाद की तरफ अपनी इबादत की तरफ अपने ज़िक्र की तरफ फेर दिया है तो शुक्र गुज़ार हो जाइए सजदा का सजद शक्र अदा कीजिए कि मेरे मल मेरे अल्लाह आपने मेरे दिल को ताद की तरफ फेरा है मेरा कोई कमाल नहीं मेरे अल्लाह मेरा कोई कमाल नहीं मेरी कोई ख़ूबी नहीं मेरे पास कोई हुनर नहीं है आपका करम आपका एहसान है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान फरमाने के बाद फ़रमाया फिर आपने यह दुआ फरमाई कि मुशर्रफ कुलूब ए दिलों के फेरने वाले अ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को हमारे दिल को अपनी इत की तरफ फैलते तो अल्लाह करी ये दुआ हमें याद रहे हम मामूल बनाए कसरत से दुआ पढ़ें हर नमाज में जब दुआ मांगें इवन आप सजदे में जाएं आप रुकू में जाएँ रसोल वसम के बारे में आता है कि आप जब सजदे में जाते थे तो आप ये दुआ पढ़ते थे अल्लाम करकल्लेबलूब सबकी अला दिन के अल्लाह मेरे दिल को साबित क़दम रख ए दिलों के फिरने वाले दिलों को साबित क़दमी अता करने वाले मेरे दिल को साबित कदमी अता फरमा मेरे दिल को ये अल्लाह इस्तकामत अता फ़रमा तो हज़त मौलाना से भी इनशाला इसी दुआ के हवाले से हम हज़रत से सवाल करेंगे हजरत से पूछेंगे हज़रत के मलफ़ा सुनेंगे जी हज़रतुम शुक्र हज़रत ये दुआ आज हमने पेश की है अपने नाजरन के सामने और बहुत आसान इसके जो अल्फाज भी बहुत आसान है, हैं सहल हैं बहुत आसानी से आदमी अगर चाहे तो इसको याद भी कर सकता है बिल्कुल बड़ी अहम और जाम दुआ जी जी अलहमदिल्ला इसके बारे में जो आपने रिवायत पेश की हज़रत अब्दुल्ल इबिनबिन आस रज़ी की इससे दो बातें मालूम होती एक तो जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया बल्कि वज़ाहत कर दी कि ये मकाम खौफ है कि आदमी को डरना चाहिए हर वक्त कि अल्लाह ताला ने मुझे ईमान की दौलत अता फरमाई है हिदायत की दौलत अता फरमाई है इस पर डरते भी रहना चाहिए और मांगते भी, भी रहना चाहिए बिल्कुल एक तो ये है दूसरी बात यह है कि इसके अंदर वही मुतशा हाथ वाली बात है कि सारी इंसानियत के दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान है अब यहाँ पर अल्लाह ताला के लिए उंगलियों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया ये हाथ में से है इसकी खोज में या इसकी तहकीक में पढ़ने से मना किया गया मना किया गया है अब इसलिए ने फरमाया कि इससे मुराद ली जाए कि अल्लाह की कुदरत में है अल्लाह की ताकत में है कि अल्लाह सारे दिलों को पलट दे किसी वक्त ये एक मान है और इमाम मालिक रमोत ला ने बड़ी उम्दा बात की है मुतशा के बारे में कि मुतशा पर यकीन किया जाए जितनी भी मुतशा की आयात हैं या अदीस हैं उन पर यकीन किया जाए बड़ी उम्दा बात है उनकी के अल इस्तिवाव मालूम अल्लाह ताला जो अर्श पर जलवा नशीन हुआ तो इस्तिवाव मालूम ये इस्तिवाव मालूम है क्योंकि कुरान के अंदर आया है हाँ। वल ईमान भी ही वाजिब उस पर ईमान लाना ईमान लाना जरूरी अल इस्तिवाव मालूम वल कैफ मजहूल कैसे इस्तिवाव हुआ ये अल्लाह बेहतर है बिल्कुल अल्लाह ही बेहतर जानते हैं और इसकी खोज में पढ़ने की ममानत है इस्तवा मालूम वल कैफ मजहुल उन कैफियत का कोई पता नहीं ईमान वाजिब ईमान इस पर वाजिब है वाजिब से मराज ज़रूरी है ईमान लाना जितने भी मुतशाबहत हैं और मतशाबहात आते ही इसलिए हैं कि ऊपर ईमान लाए वह सवाल बिदत और इनके बारे में सवाल करना खोज करना ये बिदत है गुमराहि है बिल्कुल एक तो ये बात है दूसरी बात यह है कि ये दुआ बाज़ जगहों पर या मुशर्रफ़ कुलूब से आई है और अल्लाह मुशर्रफ कुलूब से आई है जितनी भी दुआएं हैं उन दुआओं के शुरू के अंदर अल्लाह ताला का नाम पुकारा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो रबाना आता है या अल्लाहुम्मा आता है अल्लाह या रबना आतना फ़िदिनिया हसना तो उसके जरिए अल्लाह ताला को पुकारा जाता है अब जब भी आदमी दुआ करे तो ये नो कि सिर्फ पुकारता रहे अपनी अल्तजाई ना पेश करे एक हदीस में आता है कि एक शख्स या अल्लाह या अल्लाह कह रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तू अल्लाह को पुकार रहा है अब अल्लाह से अपनी हाजत मांग तो एक तो बात यह दुआ करने के लिए कि अल्लाह को पुकारा जाए और दूसरा यह है कि अल्लाह के सामने अपनी हाजत जाहिर की जाए वो भी ज़रूरी है अगर कोई आदमी अल्लाह का नाम ही नहीं लेता अल्लाह को पुकारता ही नहीं है और हाजत जाहिर करता है तो ये भी दुआ अनकम्प्लीट है नहीं। पूरी नहीं है दुआ और जो आदमी सिर्फ़ अल्लाह को पुकार रहा है और कोई हाजत नहीं जाहिर कर रहा तो ये भी दुआ अनकम्प्लीट है लिहाजा दुआ के कम्प्लीट होने के लिए ये ज़रूरी है कि आदमी अल्लाह को पुकारे अल्लाह के नाम है जैसे या हयूँ या क्यूँ राहमति का अस्तगीस और नस्तग दोनों तरह आया है मख्तलिफ़ रवायात में तो अल्लाह के नामों के ज़रिए अल्लाह को पुकारे और उसके बाद अपनी हाजत को अल्लाह की बारगाह में पेश करें बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया हजरत बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन इस दुआ के अंदर तन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं देखें लह लाहु, लह मुशरफल कलूब बाज़ रवायात में या मुशर्रफल अल्लाह अ दिलों के फिरने वाले अब देखें तशरीफ़ फेरना तो यह दुआ बता रही है कि सारे के सारे इंसानों के जो दिल हैं जो क़लूब हैं वो अल्लाह पाक की कुदरत में हैं अल्लाया मुशरफ कुलूब या कुलूब अल्लाम कुलूबना अला ताअत देखिए बड़ी मुख्तर दुआ अल्फाज इसके बहुत आसान यानी शकील नहीं है ज़बान पर कोई मुश्किल नहीं है अगर आदमी एक दो चार मरतों तो इसको रिपीट करे तो अच्छी तरह याद कर सकता है और इस इस दुआ के अंदर देखिए एक बहुत बड़ी बात बता दी गई कि अल्लाह के बंदों ये जो तुम्हारा जो दिल दिल है ना दिल ही देखें असल है वो हदीस मैंने पहले भी सुनाई थी आज भी उसको मैं रिपीट करता हूँ कि रमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल के बारे में क्या फ़रमाया फरमाए कि अला वन नफिल जैसा तमतः इन इजा सलहत सलहल जैसादकुल्लू व इजा फसदत फ़सदल जैसा दोकुल्लु अला वही अल्कल ए लोगो तुम्हारे जिसम में गोश्त का एक लोथड़ा है अगर वो लोथड़ा सही होगा साले होगा तो पूरा जिस्म सही होगा निज़ाम सही होगा व इन एजा फ़सदत और अगर उस गोश के लोथड़े में फ़साद आ जाए बीमारी आ जाए वो लोथड़ा अगर फासिद हो जाए तो सारा निज़ाम सारा जिस्म फासिद हो जाए फिर आपने वज़ाहत फरमाई कि जानते हो उस उस गोश्त के लोथड़े को कहते क्या है फरमाया कि अला वही लोगो वो गोश्त का लोथड़ा वो दिल है तो मालूम ये हुआ कि आमाल साल या जो भी हम अमल करते हैं उसका जो हेड क्वार्टर है दारोमदार जिस चीज़ पर है वो दिल पर अब देखें दिल अगर सखी होता है तो पहले इरादा सखावत करने का दिल में पैदा होता है उसके बाद इंसान के अज़ा एक्शन में आते हैं हाथ पॉकेट में जाता है या वॉलेट निकालता है किसी भी अमल के हवाले से मैं कहता हूँ पहले वो इरादा वो ख्वाहिश दाई या दिल में जज्बा पैदा होता कि नमाज पढ़ी जाए अब आप उठे आप खड़े हुए आपने वज़ू किया आप मुसल्ला आपने बिछाया आप मस्जिद रवाना हुए या घर में हैं तो घर में आपने पढ़ी ख़वातीन तो सारा दारदार दिल पर इसलिए हमारे यहाँ दिल के हवाले से बाब्ता तस्किया सूफिया कराम अल्लाह वाले लोग तसव्वुफ़ उसको कहते हैं कि वहाँ दिल की असलाह कराते हैं हार्ट के जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं वो दिल की असलाह करते हैं दिल के अंदर से जो गंदगियाँ हैं जो आलाइश है हसद है, बोग जरिया कीना आपको ताजुब होगा कि असल दारदार ही दिल पर है सारा चूँकि बड़ी बड़ी जो नीकियाँ हैं ना नाजरन ना उनका दारो मदार उनका तल्लुक दिल बसल अखलास है अखलास सारे अमाल की कबूलीत के लिए शर्त है कि आप मसल में यहाँ बैठा हूँ उज्जत यहाँ बैठे हुए हैं हम जो आपसे बातें कर रहे हैं इस वक्त सुना रहे हैं हमारा मकसद सिर्फ़ अल्लाह को राजी करना अगर ख़ुदा न खास्त इस इरादे के अंदर ये भी शामिल हो जाए कि मेरी आप आवाज़ सुने मेरी आप बात सुने तो आप हमें अल्लामा कह दें आप हमें मौलाना साहब कह दें आप हमारी तारीफ़ करें तो ख़ुदा न खास्तः अगर इस ख्वाहिश की आमेज़िश भी आ गई तो हमारा ये अमल अल्लाह पाक की नज़र में इसकी कोई कदर वीमत नहीं ये अमल हमारे एक घंटे का बैठना रहमान की रहमत वाला प्रोग्राम क्यामत के दिन हमारे मुँह पर मार दिया जाएगा कि मेरा बंदा तू, तू तो ये चाहता था कि ऑडियंस तेरी तारीफ़ करें तुझे कॉल करें तेरी तारीफ हो तुझे कोई अल्लामा कहे कोई मुफ्ती साहब कहे कोई मौलाना साहब कहे कोई कारी साहब कहे कोई कहे क्या बात है माशाल्लाह, ये तो तु, तु, तुझे मिल चुका दुनिया में मेरे पास कुछ भी नहीं तो अल्लाह बचाए हम सबको अखलास के अला दर्जा अल्लाह में अताफ रखा तो अखलास का ताल्लुक कहाँ से दिल से तोज़ों का तल्लुक कहाँ से दिल से असल शिक्र सबर कहाँ से दिल से तो आप यकीन करें कि जितने बड़े बड़े अमाल हैं उनका ताल्लुक दिल से है आजा जवार तो बेचारी आलाए कार हैं असल तो दिल है तो दिल क्या है मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि अल्लाह करे कि अगर हमारा दिल पाकीजा बन जाए तो आँखें भी पाकिजा इरादे आज हमारे इरादे ख़याल इतने गंदे परागंदा क्यों रहते हैं हर वक्त गुनाह करने का दाइया क्यों पैदा होता रहता है क्यों हम गुनाह में मुलवस रहते हैं नमाज़ें अदा क्यों नहीं होती अमाल करते भी हैं तो बेदिली से क्यों करते हैं चूँकि दिल मुज़ल्ला मुशफ़ा नहीं है तो उसके लिए तरीक़ा बतलाया एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ने फरमाया कि लिकुल से काला। कल्ब ज़िक्रुल्लाह ऐ लोगो हर चीज़ की सफ़ाई के लिए उसको मुजला मुशफ़ा बनाने के लिए एक आला होता है और दिल के को सैकल दिल के लिए जो चीज़ सेकल बनती है साफ़ सुथराई के लिए जो चीज़ है फरमाया कि वो अल्लाह का ज़िक्र है कसरत अल्ला से अल्लाह का जिक्र करें और सबसे बड़ा ज़िक्र क्या है नमाज की पाबंदी अकीम जिक्र नमाज़ की पाबंदी करें तो एक तो इसको जहन में रखें कि दिल असल है इसलिए हम में से हर शख्स को मर्द और औरत को हर वक्त इस बात की ख्वाहिश होनी चाहिए फ़िक्र होनी चाहिए कि अल्लाह हमारे दिल की असलाह कैसे हो तो दिल असलाह के बहुत से तरीक़े हैं लेकिन जो सबसे मौसर तरीक़ा है वो किसी अल्लाह वाले की सहबत किसी अल्लाह वाले की मईत किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ अपने बातिन की असलाह अब तो आज तसवफ़ और तस्की के नाम भी मार्केटिंग हो रही यानी अपने मुरीदीन में इजाफ़ा हो रहा है और मुरदीन की जो है अब तो वो अल्लाह वाले जो लोग थे ना वो तो अल्लाह अकबर अपनी मार्केटिंग कराते ही नहीं थे वो तो बताते भी नहीं थे कि वल्ला वाले लोग आज भी जो अल्लाह वाले लोग हैं तो हमारी बड़ी सख्त जिम्मेदारी है धानवी रहत ने लिखा है कि जिस दौर में हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम पर वाजिब है कि किसी अच्छे आलिम को अपना मुर्शद बनाएँ तलाश करें ऐसे आलिम को और अगर ऐसे आलिम नहीं मिलते वो हम मुर्शद नहीं बना सकते तो कम अज़ कम मुशीर किसी आलिम को जैसे आप देखें ना कोई बंदा बहुत सख्त बीमार होता है तो क्या होता है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इस्पेशल केयर आई में डाला जाता है क्यों क्योंकि उसके 24 घंटा निगरानी की ज़रूरत होती है डॉक्टर हजरात से इसी तरीके से हम रूहानी तौर तो पर आए इतने आज बीमार हैं पूरा सिस्टम हमारा उल्टा हो चुका है तो ऐसे मौके पर हमें किसी रूहानी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है और है तो हर शख्स की देखिए मैं कहता हूँ आपको कोई ना मिले ना मस्जिद आपकी लोकल मस्जिद हो है ना आप जहाँ भी रहते हो मस्जिद का इमाम आपके लिए बेहतरीन मुर्शिद बेहतरीन मशीर बेहतरीन पीर बेहतरीन आपके लिए मुरबी हो सकता है अगर आप चाहें तो क्योंकि आज हम अगर इमाम राजी को तलाश करेंगे जुनेद बगदादी रम्ला को तलाश करेंगे तो नहीं मिलेंगे उस मुफ्ती शफी साहब ररम का वाक़ लिखा हुआ है हज़रत के बड़े साहबजादे एक मरतबा तशीफ़ लाए तो शिकवा करने लगे कि आज कल वो अल्लाह वाले लोग नहीं मिलते जिनसे हम अपनी असलाह कराएँ तो मुफ्ती शफ़ी साहब रमत ने जवाब मेरे शायद फ़रमाया कि अल्लाह के बंद तुम्हें अगर अपनी असलाह करानी है तुम्हारी तुम्हारे लिए मस्जिद का मुजिन ही काफ़ी है जो पाँच मरतबा अल्लाह की बड़ाई बयान करता है तुम अपनी उससे असलाह करा लो अगर तुम चाहो तो वो मौज़िन ही काफ़ी है वो इमाम काफ़ी है और हम तलाश करते रहते हैं कि शिबली नमानी हमें मिल जाएँ और इमाम राजी मिल जाएँ भाई आज इमाम राजी और गजाली का दौर नहीं आज आप हमारे लिए जो हमारी मस्जिद के आइमा यही हमारे लिए इमाम राजी हैं इमाम गजाली हैं जुनेद हैं अल्लाह करे कि हमें समझ में आ जाए जी मुफ़ी साहब मैं इसी हवाले से नर्ज़ <coughs> कर रहा हूँ कि तशरीफ़ क़लूब और कलब की इसलाह की क्या बिल अहमियत है इस्लाम बहुत डिटेल के साथ आपने बयान किया ये है ये जो दुआ है ये तशरीफ़ कलूब दिल के तजिए के लिए बड़ी अहम है बिल्कुल और अगर देखा जाए तो नबी करीम सल्ह वसम की एक खूसियत वो क़लिम है बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि मुझे छः चीज़ों के जरिए तमाम अम्बिया पर फजीलत दी गई बिल्कुल उनमें से पहली यह कि ऊती तो भी क़लिम मुझे जवाम अता किए गए कि। यानी मुख्तसर अल्फाज और उनके मानी बेशुमार और दुआओं के अंदर ये एजाज़ और ये जवाम का जहूर बहुत ज़्यादा है ऐसी दुआएँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं जो एक नबी ही और ख़ातमनबीन के शान है कि शायन शान है कि वो इस तरह की दुआएँ अल्लाह ताला से मांग सकें तो इसी तरह ये वाली दुआ भी बड़ी अहम तरीन जवाम हर दुआ उसके अंदर बहुत ज़्यादा अब इसके अंदर आप गौर करें तो ये अल्लाम मुशर्रफ़ अल्लूब शर्रफ़ क़लूब अलाता ए दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को अपनी अतात और फरमाबरदारी पर फेर, फेर दीजिए ये दुआए हिदायत भी है और दुआए इस्तेकामत भी है एक आदमी राह से भटका हुआ है दीन की तरफ नहीं है और जो है अल्लाह को याद नहीं करता अल्लाह के अहकाम से गाफिल है वो अगर ये दुआ करेगा तो उसका मतलब ये होगा कि मुझे दूसरे भटके हुए रास्तों से हद कर हिदायत के रास्ते पर चला दे और एक आदमी अल्लाह की अतात और फर्मा बर्दारी पर लगा हुआ है कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसके अंदर वो अल्लाह की नाफरमानी करे या अल्लाह के हुक्म को छोड़े अब अल्ला के रहे ना अल्लाह के रहे हैं। तो हिदायत का आपसे हिदायत, का को आप हिदायत मिली। बिल्कुल और वो दुआ कर रहे हैं तो ये आप सल्लाम के लिए बता रहे हैं कि अगर तुम राय रास् पर हो तब भी ये दुआ कर तो ये दुआ हिदायत भी है दुआकामत भी खूबसूरत बहुत खूबसूरत और इसको अगर एक और एंगल से देखा जाए तो आमाल भी है और उसने खात्मा भी है तशरी के अंदर लिखा है कि इसके अंदर ये आ, कहा गया कि मुझे अमाल पर अतात पर फेर दी एक अमल के बाद दूसरा दूसरा नमाज के बाद रोजा रोजे के बाद हाथ जैसा कि इबादत है सुबह से लेकर शाम शाम से लेकर जो है वो सुबह सारे आमाल तो ये यहन अमाल भी है कि हर हर अमल पर मुझे अपनी अतात पर फेर दीजिए और हुसन खात्मा भी है कि आमाल पर इसी तरह कायम रखिए यहाँ तक कि मेरा खात्मा हो जाए तो ये जाम तरीन दुआओं में से है, है बहुत शुक्रिया मम्ती बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया नजरीन इस दुआ के हवाले से बहुत सी मजीद भी बातें इन शो मैं आज करूँगा लेकिन इस दुआ के अंदर ये आप देखें कि ये दुआ मांगने वाली हस्ती कौन है मैं बारह अर्ज़ कर चुका हूँ और इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि देखें दुआ करना एक मुस्तकिल इबादत अब राम आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहिर ये मांगने की ज़रूरत नहीं थी कि अल्लाह मेरे दिलों को आप फिर दें मेरे कल्ब को अब जाहिर है कि अम्बिया आलोम व सलाम की शान इतनी बुलंद वाला है नाजरीन कि किलम ने लिखा है कि अलैहि व सलाम की शान ये है कि नबूवत के बाद उनकी जो मंजिल होती है ना तो नबूवत से पहले भी उसी तरफ रवा दवा होते हैं ग़ैर नबी के बारे में तो आप हम सुन सकते हैं वाकयात सुनते हैं कि हदायत से पहले बहुत से अलिया कराम वाले लोग हिदायत से पहले उनकी ज़िंदगी नहायत ही गुमराही वाली ज़िंदगी थी लेकिन अल्लाह पाक ने हदायत दी है तो वो अल्लाह अकबर विलयत के वलायत के आसमान के चाँद सितारा बने लेकिन अम्बे अली मसलात वाम की शान बहुत यूनिक मख्तसर से ब्रेक के बाद इन शर इला इसी हवाले से आपके खिदमत में बातें अर्ज़ करूँगा असलकुम वरमि वर्का بسم الله الرحمن الرحيم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك محترم ناظرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برنامج رحمان کی رحمته आप देख रहे हैं अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह करीम हम सबको आप सबको अपनी महब्त फरमाए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची महबत इत्तबा नसीब फरमाए और जो दुआ हम आज सुना रहे हैं या सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं अल्लाह हम सब को <��स्य>। ये दुआ भी और दुआएँ भी अल्लाह हम सब को दुआ मांगने की तौफीक अता फ़रमाए मैंने अभी अर्ज़ किया कि दुआ ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पढ़ने की नहीं दुआ मांगने की चीज़ है अल्लाह हम सब को दुआ मांगने की और उन तमाम आदाब के साथ जो आदाब दुआ की कबूलीत के लिए ज़रूरी हैं अल्लाह हमको उन उस, उसकी तोफ़ी अतः फ़रमाए और पूरी उम्मत को अल्लाह उम्मत के एक एक फ़र्द को अपना बना लें अपनी महब्बत वाली ज़िंदगी और इबादत वाली ज़िंदगी अल्लाह नसीब फरमाए नाजेन ये बड़ी मुख्तर सी दुआ बड़ी जाम दुआ इसके मानी के अंदर आप देखें कि अल्लाह के नबी वम ने इस दुआ में सब कुछ मांग लिया यही तो एक मुमिन की ख्वाह तमन्ना होती है हर मुमिन की मर्द वत की कि अल्लाह मेरा दिल जो है ना चूँकि इबादत का तल्लु असल में दिल से है खुशू जो कहते हैं ना खुशू खुशू किसे कहते हैं जिसका तस्करा कुरान में तस्करा किया है केवल कि लदीनः मन सलातिम फ़ी हिम खाशाह अच्छा हमारे साथ एक कॉलर भी हैं उनको भी शामिल करते हैं इन फिर मैं आज करता हूँ जी अलैक् रौकमें जी अलहमदिल्ला पाका बहुत करम एहसान है आप ठीक हैं अलह सवाल आपसे जी जी एक तो मुझे ये सवाल करना कि हम ना अक्सर बर्मिंगम और कैंट के एर एरिया जाते हैं जी जी. कैंट में जाते हैं बर्मिंगम में जाते हैं तो हम वहाँ नमाज कसर करेंगे या पूरी पढ़ेंगे और दूसरा सवाल यह है कि मेरी बेटी कैंट में रहती है तीन साल के लिए वो ट्रेनिंग के लिए गई हुई है और हम रहते हैं लंदन में अब वहाँ जब हम हर पास वीकेंड पे आती है तो वो नमाज यहाँ की कसर करेगी या पूरी पढ़ेगी ठीक है मैं अर्ज़ करता हूँ बेटी कहाँ रहती है अच्छा कैंट में रहती है ठीक ठीक बहुत शुक्रिया मेरी बहन बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया अच्छा <coughs> मुफ़ी साहब इन्होंने पहला सवाल मेरी बहन ने पूछा है कि ये लोग जो हैं कभी बर्मिंगम या कैंट वगैरह जाते हैं तो वहाँ नमाज कसर पढ़ेंगे या पूरी पढ़ेंगे इसी तरह बच्ची उनकी कैंट से लंदन आती है तो कसर पढ़ेगी या पूरी पढ़ेगी पहली बात तो यह है कि बर्मिंगम जब जाते हैं तो बर्मिंगम तो ज़ार काफ़ी दूर है 48 माइल से ज़्यादा है बस दो शर्तें बता दें आप जी तो असल में जो है ना तो दो, दो बरने शर्तें बरने के लिए। ये हैं कि जब आदमी जाए 48 माइल से ज़्यादा पर जाए 48 माइल के डिस्टेंस पर जाए एक और दूसरा ये पंद्रह दिन वहाँ रहने की नियत करे तो फिर पूरी नमाज पढ़ेगा अदरवाइज़ वो कसर पड़ेगा एक लेकिन जाते हुए वो कसर ही करेगा बेशक एक दिन के लिए जाए दो तीन के लिए जाता है तो जाते हुए वो कसर ही करेगा तो बर्मिंगम का तो मसला बिल्कुल वाजह है जहाँ तक ताल्लुक है कैंट का कैंट मेरे ख्याल में इतना दूर, नहीं इतना दूर नहीं है नहीं। इतना, दूर नहीं। इतना दूर नहीं है 48 एट माइल से ज़्यादा क्या न, इतना दूर नहीं है करीब ही है लिहाजा वहाँ से जब इनकी बेटी अपने घर आएगी तो पूरी नमाज पढ़ेगीवन के अगर वो दूर हो कहीं पर रहती हो वहाँ से भी जब अपने घर आएगी बर्मिंगम से भी अगर घर आए तो घर पूरी नमाज क्योंकि घर तो अपने ठहरने की जगह है कामत की जगह है। बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपने मसाला यकीनन सुन लिया होगा लेकिन दो चीज़ उसूली बात जहन में रखें मुम और मुसाफिर का कि हम मुकीम से मुसाफिर कब बनते हैं शरिय मुसाफिर एक तो हर आदमी मुसाफिर है दुनिया में सफ़र सफ़र है भारत तो शरी जो मुसाफिर है जिस पर नमाज असर का हुकम लागू होता है आयद होता है के लिए दो शर्तें एक शर्त यह है कि जहाँ जा रही हैं डिस्टिनेशन दि जो है आपका 48 माइल्स इतना हो या उससे ज़्यादा उससे कम ना उससे कम होगा तो आप ये एक शर्त फिर कम रह जाएगी फिर आप शर् मुसाफिर नहीं बन पाएंगे दूसरी शर्त यह है कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ रहने का जो इरादा आपका हो पंद्रह दिन से कम हो पंद्रह दिन या उससे ज़्यादा के रहने का अगर इरादा होगा तो क्या आप फिर मुसाफिर मुकीम बन जाएंगी मुसाफिर नहीं रह पाएंगे मुसाफिर के लिए दो शर्तें फोटी एट माइल से कम काम की मुसाफत हो पंद्रह दिन से कम कहता हो फिर आप देख लें बर्मिंगम की क्या मुसाफत है यहाँ से या कैंट की क्या मुसाफत है इस असूल को सामने रख के आप फैसला करेंगी और इसी तरीके से वतन असली एक शख्स कहीं किया है आर्जी तौर पर उसने अपना वतन बनाया हुआ है जॉब करने जाता है वीकली या दो वीकली या हफ्ते में आता है तो वतन असली में जब वो लौटेगा तो पूरी नमाज़ पढ़ेगा डजन मैटर की मुसाफत कितनी है चूँकि वतन असली उसका जो घर उसका अपना है या ये कि उसने जहाँ रहना है उसको मुस्तकिल अपना क़्याम गाह उसने बना लिया है मुस्तकिल रहायश गाह बना ली है मुस्तकिल अपना वतन बना लिया है तो वो दीगर बात है उसके लिए अलग मसला है ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो नज़र इस दुआ के हवाले से मैं कर रहा था कि देखिए दुआ अल्लाह पाक की की तरफ़ से इतनी बड़ी नामत है इतनी बड़ी नमत है और देखें ना वो कुरान की जो आयत है फरमाया कि इनदीन इस तकबरून इबादत थी कि जो लोग तकबर करते हैं अन इबादती में मुझसे दुआ करने से यहाँ इबादत का से मुराद दुआ है क्योंकि आयत है वक़ाल रबूनी अस्त जबलको मेरे बंदों मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ तो जो लोग फरमाएँ कि मेरी इबादत से यानी दुआ एक ख़ुद यही वजह है देखे नाजरीन में बारह अर्ज़ करता हूँ कि हम अपनी अक़ीदों पर भी नज़र षानी करना चाहिए क्योंकि पुकारना दुआ करना ये इबादत है और हम सब कलमे में अल्लाह पाक से ये वादा कर चुके हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह दे इज नन वर्दी ऑफ वर्शिप बट अल्लाह अच्छा हमारे साथ कोलर भी हैं उनको शामिल करते हैं जी सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू तो कैसे हैं आप जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन जी मेरा सवाल ये है कि मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि कहते हैं जो हरम पाक की बिल्डिंग है हरम पाक है जी उसके साथ वाली अगली जगह है जिसको हमें मलाजुम तो कहते समझ में आया कि अगर कोई इंसान उस जगह के अंदर चला गया तो समझ लेंगे जी जीम सॉरीम सॉरी तो उसको उतना ही सुबह मिलेगा जैसे हतीम में चला गया वो जो बिल्डिंग के जंग के हरमे पाक के अंदर चला गया हतीम में चला गया तो उसके ऊपर पता है कि वो पंगा भी लगा हुआ है जब पानी भी आता है बारिश हो तो जी जी तो उस बारिश में उसने नफल भी अदा कर लिएकुम वाले मुफ्ती साहब मैंने अभी कसर नमाज के बारे में आपसे पूछा था लेकिन हम ना वीकेंड में जाते थे अपनी बेटी के पास तो हम ना कसर ही नमाज वहाँ पढ़ते थे तो अब हमें क्या नमाते दोहरानी पड़ेंगी क्योंकि हमें वो कहीं नहीं था गलती में हम करते रहे ऐसे तो आपने किसी से मसला नहीं पूछा था नहीं हमने कहा हम तो सफर कर रहे हैं मुसाफिर हैं तो हमारी नमाज कसर ही होगी अपने तौर से हमें यही समझे और हमने पूछा नहीं था किसी से अच्छा अच्छा ठीक है अर्ज करता हूँ अर्ज करता हूँ अर्ज करता हूँ जी असल वरम्ह कौलर वालेकुम जी जी टीवी की आवाज कम करते या करते कर दिए अच्छा जी जी, ये अशराक के बारे में पूछना था आपसे कि ये जो कहते हैं कि फजर के बाद तो फजर का टाइम जैसे अगर छह बजे शुरू होता है तो छह बजे आप फजर पढ़ लें तो उसके साथ ही फिर आ, मसले पर बैठ के फिर तो तक तस्त करते रहना होता है

कि जो हतीम का जो इलाका है वो बिल्कुल आपने उसका बैकग्राउंड और उसकी हिस्ट्री सुनी होगी कि जब उन्होंने उसकी तमीर की थी मशर्कन मक्का ने मक्का ने तो उनका ये अकीदा बड़ा पुख्ता था लेकिन उनके अंदर भी बड़ी खूबियाँ थी ख़ामियाँ जहाँ तीन खूबियाँ खूबी ये थी कि वो बैतुल्ला शरीफ का जब उन्होंने तामीर शुरू की तो उनका अपना नज़रिया और उनका अपना अकैदा ये था कि इसमें हराम माल नहीं लगना चाहिए तो जो कुछ उनके पास जमा हुआ इतना ही जमा था जिससे इतने ही तामीर हो पाया जो तहमीर आप शक्ल में उस शक्ल में आप देख रहे हैं और हलाल पैसा इतना उनके पास नहीं था कि उस हिस्से को भी वो कवर करते और उसकी उसके ऊपर तामीर करते ये देखिए खूबी थी उनकी कि सारी खामियाँ अपनी तरफ बुराइयाँ अपनी तरफ लेकिन बैतुल्ला शरीफ के हवाले से उनका अकीदा बड़ा आ, मजबूत था ये कि नहीं इस बैतुल्ला शरीफ के अंदर एक ईंट भी हराम की नहीं लगनी चाहिए तो बरअल वो हिस्सा बिल्कुल बैतुल्ला शरीफ के अंदर है और कोई शख्स अगर नमाज़ पढ़ता है उसमें जाके अल्लाह हम सबको को सदत नसीब फ़रमाए तो वह वो ऐसा ही है जैसा कि आपने बैतल्ला शरीफ के अंदर नमाज़ पढ़ी इसी तरह परना परनला के आपका भी आपने तस्करा किया यकीन ये हिस्सा भी जाहिर है कि बैतुल्ला शरीफ के साथ जो भी चीज़ मुनसलिक है उससे मनसूब है यकीन बाबरकत है और खैर है बाश बरकत है अल्लाह हम सबको बार 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 हरमैन शरीफ़ इनकी हाज़ीनसी फरमाए अच्छा अगला आपने पूछा मेरी बहन ने सवाल कैंट के अंदर लेकिन आपने जो नमाज़ पूरी पढ़नी चाहिए थी आपने कसर पढ़ी है ज़ाहिर है कि वो तो नमाज को तो रिपीट करना होगा बिल्कुल ज़ाहिर है कि नमाज फ़र्ज़ है और आपने मसला पूछे बगैर कर लिया है तो जाहिर है कि वो तो नमाज़ हुई नहीं ना मसल के तौर पर अगर आपने ज़हर की चार की बजाय दो पढ़ ली तो दो तो जहर की नहीं हो पाती जोहर की तो आपको अंदाज़ा लगा के उसकी आप अज़ा करेंगी और साथ में इस्गार भी करेंगी अल्लाह पाक से सिर्फ फ़राइज पढ़ जी आ, हाँ फ़राइज़ और वितर फ़ और वितर को आप रिपीट करेंगी साथ में इस्तार भी करेंगी बिल्कुल उसके बाद अशराक का वक्त आपने देखें इशराक का जो वक्त है ना यकीन जब सूरज धल्लु होता है सनराइज़ के बाद पंद्रह बीस मिनट का वफ़ा होता है उसके बाद आप इशराक़ पढ़ सकती हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कोई ऐसा पैकेज नहीं है कि आप फजर के बाद हाँ नूर अलॉ नूर है बहुत अच्छी बात है से फ़ज़ल है से बरकत है बाश अजर ववाब है कि फ़जर के बाद से आप मुस्तिल बैठी रहें बल्कि इस हवाले से बड़ी मशहूर व हदीस है रसूल वसमाल हज़रत में सलमा रजी अल्लाह तना थी या कोई और जोजहारा थी वो फजर के बाद मुस्तिल बैठी रहती थी और अपने आप को बांध लेती थी तो आपने एक मरतबा पूछा हज़रत ममून रज़ी अल्लाह ताल ालिबन तो आपने फरमाया कि मैमूा मैं तुम्हें ऐसी दुआ न बता दूँ कि तुम अगर ये दुआ पढ़ लो तो तुम्हें इशराक तक बैठने का सवाब मिलेगा फिर आपने वो दुआ सुना बताई कि व हाँ वमदही आदत ख़लकी वरिदा नफसी वजीना त आरशी व मे दाद दा कैलमाती इस दुआ को पढ़ लिया करो तो यूँ कोई पैकेज नहीं है मेरी बहन अच्छी बात है अगर आप फ़ारिग हैं कोई और काम नहीं है नींद नहीं आ रही है आपको या और कोई बड़ा तकाजा नहीं है तो एक बेहतरीन मौका इसमें आप जिक्र कर लें सोयासिन शरीफ पढ़ लें लेकिन अगर आपने फ़जर बहुत अदली वक्त में पढ़ लिया है अवल वक्त में पढ़ लिया है फिर ज़ाहिर है अगर दो तीन घंटे का फासला है ढाई घंटे का फासला है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बैठे अपने काम करती रहें और अगर आप जागी हुई हैं वक्त आपको मिला इशराक़ पढ़ सकती हैं तो ज़रूर दो रकत पढ़ लें नूरुला नूर कितने जितना आप उसमें गुड़ डालेंगी मीठा होगा अल्लाह पाक को याद करना अल्लाह का जिक्र न सिर्फ क्या उखरवी तरफ़ दुनियावी अतबार से भी जितना अल्लाह से हम करीब होंगे अल्लाह पाक से हम शैतान से फितनों से दूर रहेंगे इन शवाब अजल तो भाई है अल्लाह पाक का कुर्ब नसीब होगा तो हज़रत मैं दुआ के हवाले से दुआ के हवाले था जी के दुआ जो है ना अल्लाह पा की तरफ से एक अनमोल नहमत है बहुत अनमोल नहमत है बिल्कुल और इस दुआ में मैंने अभी अर्ज़ किया कि देखिए ना हमें मुख, मुख, मुख्तलिफ अंदाज़ से दुआ की तलकिन की गई है क़दम कदम, कदम पर दुआएँ सबसे बढ़ के दुआ देखें ना हम सलाम जो हम करते हैं असलमकुम कितनी बेहतरीन ग्रीटिंग बेतरीन है बिल्कुल तो इसी हवाले से हमारे नाजरन को आप भी आज बिल्कुल दो बातें मेरे जहन में आई हैं एक तो ये है कि लोग पूछते रहते हैं कि दुआ हमें अरबी में नहीं आती या जहन में नहीं आती याद नहीं कर पाते तो बिल्कुल दुआ किसी जुबान में किसी तो लैंग्वेज में बिल्कुल, किसी अंदाज़ में आप कर सकते हैं लेकिन ये बात जहन में रखनी चाहिए जो दुआएं कुरान और हदीस में हैं वो इतनी जामे और इतनी मुफीद बिशे, हैं।, बिशे, हैं और इतनी आदमी के दुनिया और आखरत की भलाई को जामे हैं जो हम अपनी ज़ुबान में नहीं कर सकते लिहाजा कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि कुरान हदीस की वो वाली दुआएँ याद कर याद करें और ना सिर्फ उनको पढ़ें वमूमी तौर पर जो चीज़ हम याद कर लेते हैं तो उसको पढ़ना शुरू फिर उन दुआओं को हम मांगें पूरी तवज्जो इसतज़ार के साथ और ख़ौ ख़ुदा के साथ उन दुआओं को मांगें अब इस दुआ के बारे में जैसा कि आपने भी कहा अभी उसके अल्फाज के ऊपर अगर हम गौर करें तो कितनी ज़ामियत है पहली चीज़ अशर्रफ़ अलकलू भी शर्रफ़ क्लू बना लाता दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को पर फेर दे। की फेर। तो अब यहाँ पर दुआ यह भी हो सकती थी अबारी ताला मेरी आंखों की हिफाजत कर मेरी जुबान की हिफाजत कर मेरे हाथों की हिफाजत कर मेरे पूरे बदन की हिफाजत कर लेकिन दिल की जो हिफाजत हो गई दिल सही हो गया तो हर चीज सही होगी जैसा कि हदीस के अंदर दूसरी के अंदर आपने उसको बयान दिया तो दिल की असला की तो मुख्तसर लफ्ज लेकिन पूरी ज़िंदगी सारी सब कुछ सब, सब कुछ आ दुआ में और दूसरा लफ्ज़ जो है वो उसके ऊपर आप गौर करें बहुत से लोग कहते हैं दुआ करें अल्लाह ताला मुझे नमाज का पाबंद बना दें दुआ करें अल्लाह ताला कि अल्लाह मुझे हज के लिए बुला ले दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे अपनी राह में ख़र्च करने की तोफ़ी के तफर में ये सारे आमाल हैं तो यहाँ पर इसमें आमाल पर आमाल के बारे में दुआ नहीं की बल्कि तात के बारे में इसके अंदर सारी, सारी चीजें आ गई पूरी जिंदगी आ गई दिन आ गया रात आ गई हर लम्ब पैदाइश से लेकर मौत तक तो ये इतनी जामे तरीन दुआ है कि इसके अंदर एक तो दिल की असलाह और दूसरी जो है वो अल्लाह से मांगी गई अता और तीसरी बात जो जहन में आती है कि वो ये है कि जो इस तरह की जामे दुआए हैं वो इजतमाही तौर पर मांगी गए इजतमाही तौर पर के मतलब यह कि जमा के, के सी के साथ उसके अंदर सारे मुसलमानों मुसर सारे मुसलमान सारे अहले ईमान के, के लिए दुआ मांग लीजिए जैसा कि इसमें अलामो मुशरफ़लो बर्रफ को लोबाना अल्लाह बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया नाजरीन में अस कर रहा था कि देखें हमें सुबह शाम की जो दुआएँ बताई गई हैं सुबह से लेकर शाम तक सुबह हम बेदार हुए हमें दुआएँ सिखा गई कि जब बिस्तर तुम छोड़ो आँख तुम्हारी खुले तो अल्हमदल्हदी आहिया नबादम अम्दनावनुशू तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त जिस माहौल में हम और आप रह रहे हैं कि दुनिया अपनी पूरी आब के साथ दुनिया हर दिन उसकी कशिश में जाजबियत में इजाफ़ा होता चला जा रहा है तरह तरह की चीज़ें जो हमें अल्लाह से फिरने वाली चीज़ें अल्लाह से दूर करने वाली चीज़ें ऐसे मक पर हम वालदे की बड़ी सख्त ज़िम्मेदारी है ना अपनी औलाद के हवाले से ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घरों में हैं इनकी तरबियत इनकी तालीम इनको अदब सिखाना अब देखें ना ये छोटा सा लफ्ज़ होता है अस्सलाम वालेकुम क्या मुश्किल है इसमें क्या मुश्किल है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वर्क तो अगर वालदे चाहें एक तो ख़ुद अमली तौर पर भी इस अमल को जिंदा करें और बड़ी प्यारी जो हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि ला तत खुलजन्न हत्ता तो ऐ अ लोगो तुम जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते जब तक तुम ईमान ना लिया वला हत्ता और तुम एक दूसरे और तुम ईमान तुम्हारा मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम एक दूसरे से मुहबत न करो अच्छा हमारे साथ एक कॉलर है उसके बाद इन इस सदी उसको मैं मुकम्मल करता हूँ जी अल व जी वाल दो बातें करनी थी एक तो दुआ के लिए बच्चों मेंदला इन्लम बहुत बड़े अमल की तौफीक तो दे आमीन तो, आमीन आमीन जी जी तो दूसरा है कि पर में गांव में मैं लंदन में रहती थी तो पर में गांव मेरे भाई बहनों के घर थे मेरी माँ पाकिस्तान से आती थी वो भी माशाल्लाह तो खोद हो गए तो मुझे मैं भी वहां समाचार तो पढ़कर पड़ती थी तो मेरे भाई और बहनों के बहन का घर था या भाई के कार्य बानियां के तो फिर मुझे वो करनी चाहिए क्या करना चाहिए ठीक है मैं करता हूँ मैं उस करता हूँ तो बच्चों के लिए दुआ के हवाले से मैं भी अस कर रहा था हदीस में मुकम्मल कर लूँ तो आपने फरमाया कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक ईमान ना ले आओ और तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम एक दूसरे से महब्बत ना करो उसके बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफीक उम्मत आपसे बड़ा उम्मत का कोई शफीक नहीं हो सकता आपने फरमाया कि क्या अला अधिकम अला शयन एल तुम तहब तुम ए लोगो मैं तुम्हें कोई एक ऐसा अमल न बता दूँ एक ऐसी चीज़ न बताऊँ कि अगर तुम उसे करने लगोगे तो तहाब तुम तुम एक दूसरे से महबत करने लग जाओगे तो आपने फरमाया अफुल सलाम बुम तुम आपस में सलाम को आम करो स्प्रट द सलाम खूब सलाम किया करो हमारे साथ कॉलर हैं जो उनको भी शामिल करते हैं ये अलमैक्म वरम वालेकुम अस्सलाम मैंने अभी आपसे के के नवाफिल बारे में बात की थी तो आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया तो, कुछ ने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि आपको लगातार मतलब बैठना होता है अगर आपको हज जगह उम्र का सवाब लेना है क्योंकि वो खातून कह रही थी कि वो टांगों के बसले की वजह से जाय नमाज से उठ के कुर्सी पे बैठ जाती हैं तो इस वजह से मुझे ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि क्या वो लगातार

वहाँ पर यह है कि अगर तो शॉर्ट टाइम के लिए जाते हैं तो मुसाफिर ही हैं क्योंकि वालदे के घर जिस औरत की शादी हो जाए वो वालदे के घर जब जाएगी तो वो कसर ही करेगी बशर्ते के पंद्रह दिन से कम हाँ यानी शरीम असल तो दो शर्त वो है ना अगर यहाँ से बर्मिंगम फोर्टी एट माइल्स है जी और पंद्रह दिन से कम के लिए अगर गई हैं जी तब तो ज़ाहिर है वो कसर करेंगे कसर करें लेकिन अगर पंद्रह दिन से पंद्रह दिन से ज़ायद के लिए गई हैं पंद्रह दिन या उससे ज़्यादा हाँ, के अगर है ना फिर तो फिर तो पूरी पढ़नी चाहिए फिर पूरी हाँ, पढ़े बिल्कुल ऐसे ही तो मेरी बहन अगर आप पंद्रह दिन या उससे ज्यादा के इरादे से गई हैं अपने वालदेन के घर और जहाँ भी आप गई हैं बर्मिंगम का कोई नहीं है देखें आप ये देखें कि फोर्टी एट माइल्स है कि नहीं फोटी एट माइल्स उससे कम है कि अगर उससे ज़्यादा है तो ये दो शर्तें आप जहन में रखें बर्मिंगम हो वो मानचेस्टर हो वो लेस्टर हो बस आपने दो चीज़ें ये देखनी है कि फोर्टी एट माइल्स उससे ज़्यादा है कि नहीं और पंद्रह दिन से कम का सफ़र है कि नहीं पंद्रह दिन से कम का है तो आप मुसाफिर होंगी पंद्रह दिन उससे ज़्यादा का इरादा आपने किया है क़याम का वहाँ तो आप क्या होंगी आप मुक्म उसके अलावा आपने बच्चों के लिए दुआ की दरखास्त की है अल्लाह करे आपके हमारे पूरी उम्मत के बच्चों को पूरी तो सारे इंसानों के बच्चों को अल्लाह अपने वालदे के लिए आँखों की ठंडक बनाए वालदेन का साया बच्चों पर कायम दायम रखे बच्चों को नेकसाले बनाए हमारे साथ एक और कॉलर है उनको भी शामिल करेंगे अल्लाम आईकुम कॉलर जी जी वालक साहब मुफ्ती साहब क्या हाल है ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्लाह पाक करम है आप ठीक हैं जी, जी 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 शुक्र है अल्लाह पाक का मेरे दो सवाल जी।, जी जी एक टाइम मैं पूछ रहा के तहियत द नमाज किस टाइम शुरू होता है किस टाइम खत्म होता है किस कौन सी नमाज तहियत तजजुद अच्छा तहज्जुद अच्छा अच्छा तहियत जी जी तहियत तो दूसरा सवाल है के एक सुभान अल्लाह सुभान कला में क्या फर्क है और आवाज परदेव क्या पढ़ना है सुभान अल्लाह या सुभान कला ठीक, ठीक करता है ठीक है इसका तो ये जरूर बताना मुझे बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया भाईजान आपके सवाल करने का अल्लाह अच्छा एक और कॉलर है जो इनको भी शामिल कर लेते हैं जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर वालेकुम अस्सलाम Uh, मैं कासिम बात कर रहा हूँ मोहम्मद कासिम इस्लामा से अच्छा अच्छा शुक्रिया भाई सवाल सवाल मेरा ये हेलो जी जी सुन रहा हूँ जी जी फरमाइए सवाल मेरा ये था कि हम बाजात बहुत सारी दुआ ऐसी कर रहे होते है कब्जे तक जो शरफ कबूलियत को नहीं पहुँचती और हम लोग मांगते रहते हैं कुछ दिन की दुनिया की तो बसा अवकात ईमान की कमजोरी की वजह से मायूसी की हो जाती है तो मैं चाह रहा था कि आप हजरात इस हवाले से भी हमारी फरमा रहन के भी इस हवाले से क्या कहते हैं जी ठीक है मैं अर्ज़ अर्ज़ करता हूं, करता हूं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भाई बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का खैर अच्छा जी बहुत शुक्रिया जी पहला सवाल भाई ने पूछा है कि नमाज तहजद का जो वक्त क्या है आ, देखें भाई जान नमाज तहजद का जो वक्त है ऐशा की नमाज़ के बाद से शुरू हो जाता है वक्त है और ये सुबह साद तक रहता है ये पूरा पीरियड तहजद का वक्त है आप ऐशा की नमाज़ के साथ भी इवन वितर से पहले दो रकत नमाज तहजद की नीयत से पढ़ सकते हैं अगर कोई उठ नहीं सकते लेकिन लेकिन हर तरह के लोग हैं बा कमज़ोर लोग हैं ज़यफ़ लोग हैं हर आदमी एक तरह का तो नहीं है तो अगर कोई शख्स चाहता है कि यानी तजद का अजर भी उसे मिल जाए सवाब भी मिल जाए लेकिन फिज़िकली वो इसकाबिल नहीं है सेहत यानी इसकाबिल नहीं है जिसम इसकाबिल नहीं है तो उसके लिए कि ईषा की नमाज़ के साथ भी दो रकत नमाज तहजद की नीत से पढ़ अल्लाह करीम का जो ख़ज़ाना है ना स्वाब्त बड़ा है उसके यहाँ कमी नहीं हाँ उसका जो एक्चुअल वक्त है अफज़ल तरीन जो वक्त है रात का आखिरी पहर है आदमी सो के उठे ये अफज़ल है असल में लोग मिक्सअप कर देते हैं मसाइल के समझने में या समझाने में भी हमारी भी गलती है कि देखिए अमाल के अंदर कैटेगरीज़ हैं बाज़ वो अमाल हैं जिसका करना फ़र्ज़ है वाजिब है बाज वो सुन्नत है मसनून है बाज़ व मस्तःब है तो इस कैटेगरीज को समझना चाहिए ठीक है उसके बाद आपने फरमाया कि सुबह नकल सुबह अल्लाह या सुबह नकल्ला मुफ्ती साहब इस दुआ के हवाले से बताते हैं पूछ रहे हैं नमाज में नमाज़ कौन सी तस्वीर पढ़ें मेरे ख्याल में शायद ये सना के बारे में पूछ रहे हैं तो सना जो मसनून है वह सुबहान नमाज़ शुरू करते हैं तो उस वक्त ये पढ़ना है और तो रब्बी सुबह या हाँ। और में सुभाँगा सुभाँगा आला। भाई सुबह और ये तीनों तस्बीहात हैं अलबत् तीनों के मकाम अलग अलग है वहां पर इनको पढ़ा जाए दूसरा मसला भाई ने आखिर मसला ये पूछा है कि दुआएं हमारी शरफ़ क़बूत नहीं पाती इस्लाम आबाद से कौल थी अच्छा अच्छा जजा खैर दे उसका मैंने बताया कि पहली अकेले हलाल। जी जी। आज हमारी ये बहुत सच्ची बहुत बड़ा मसला ये है कि हम लोग दुआएं बहुत मांगते हैं बहुत करते हैं बात लेकिन बाकी बहुत से लोगों को ये शिकवा होता है बिल्कुल तो उसके लिए जरिए है कि अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम उस पर नजर ऐसानी शिरक से इज्तनाब चूँकि शिरक ऐसा एक ऐसा गुना है कि शिर के साथ साथ हमारे सारे अमाल अकारत नजरीन इन अगले हफ्ते फिर एक नई दुआ के साथ الله كريم آپ و ناصر ہو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته